हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस अंडरडॉग गाड़ी के बारे में। कौन सी गाड़ी आपको बता देता हूँ, ये है मारुति सुजुकी की इग्निस। और इस गाड़ी को लाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि इस पे चल रहा है बहुत तगड़ा डिस्काउंट। लगभग 40 से लेके 60,000 रुपए तक का जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस गाड़ी पे। आना कहाँ है वो भी आपको बता देता हूँ। आना है आपको रुद्रपुर के नेक्सा शोरूम में, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा। इस गाड़ी को आप अपना बना सकते हो, बहुत तगड़ा डिस्काउंट है, तो ये मौका मत छोड़ना क्योंकि जल्दी जो है आपको पता है इसके रेट्स जो हैं बढ़ने वाले हैं। सब कार्स के जो रेट है ना वो रिवाइज़ हो जाएंगे। ये जो वेरिएंट खड़ा है ये खड़ा है इसका बेस मॉडल जो कि है सिग्मा। बात की जाए प्राइसिंग की तो 5,83,948 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड अलग अलग स्टेज के हिसाब से इसका अलग अलग प्राइस हो जाता है। बट ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है बिकॉज इसके अंदर जो इंजन आता है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। आपको पता है माइलेज के मामले में भाई मारुति का कोई भी तोड़ नहीं है, और इस गाड़ी के अंदर फीचर्स भी हैं। और अगर आप पहली गाड़ी अगर अपनी प्लान कर रहे हैं, कोई भी फर्स्ट कार प्लान कर रहा है, तो मुझे लगता है अगर वैगन आर को आप थोड़ा सा इग्नोर कर दो, इस गाड़ी पे डेफिनेटली आपको आना चाहिए बिकॉज इसके लुक्स भी अच्छे हैं, इसका इंजन भी उससे बेटर है। बाकी जो इस पर डिस्काउंट मिल रहा है वो भी आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है। फ्रंट आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाता है, ग्रिल बहुत अच्छी सी मिलेगी। जो हेडलैम्प यूनिट है वो आपको हैलोजन के अंदर मिल रहा है, टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, नीचे फॉग लैम्प का ऑप्शन है, एक्चुअली फॉग लैम्प आप बाद में लगवा सकते हो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको जो है ये स्किड प्लेट भी मिल जाती है जो कि सिल्वर इन कलर है, तो ओवरऑल लुक बहुत बढ़िया है। दो वॉशर यूनिट मिलते हैं, दो आपको वाइपर्स मिल जाते हैं, तो ओवरऑल जो प्रेजेंस है इस गाड़ी की आपको फ्रंट से बहुत बढ़िया मिलने वाला। तो दोस्तों अब आ जाती है देखो साइड की बात, तो साइड से ये एकदम कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ आपको मिलती है। टर्न इंडिकेटर ज़रूर आपको फेंडर पे मिलते हैं बिकॉज बेस मॉडल है, थोड़े से डिज़ाइन एलिमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, थोड़ी सी लाइनिंग सी आपको मिल रही है। अच्छी चीज़ है कि बेस मॉडल में आपको जो ORVMs हैं वो बॉडी कलर मिल जाते हैं, तो ये एक अच्छा लुक देते हैं एक्चुअली। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी जो बोलते हैं अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, नॉर्मल आपको व्हील्स मिल रहे हैं, बट फ्रंट में आपको डिस्क मिल रही है, रियर में ड्रम ब्रेक है, और टायर साइज़ भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, 175/65 R15। तो 15 inches के टायर इस गाड़ी के अकॉर्डिंग बढ़िया मिल जाते हैं। और दोस्तों सबसे पॉजिटिव जो मुझे इस गाड़ी का लगता है वो लगता है इसका टॉल बॉय डिज़ाइन। आप देख रहे हो कहीं ना कहीं आपको लगता है एक मिनी SUV आप चला रहे हो, ऊंचा सा डिज़ाइन है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको 180mm की मिल जाती है जो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन हो जाती है इंडियन रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसीलिए ये गाड़ी आपकी वैगन आर से मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। बाकी ग्लास एरिया आपको डिसेंट मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको कुछ लाइन्स जो है देखने को मिल रही हैं, साथ में आपको यहाँ पे नॉर्मल एंटीना मिलता है, तो ओवरऑल जो लुक है ना इस गाड़ी का आपको अच्छा मिलेगा। थोड़े बहुत कट्स एंड क्रीजेस यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे भी देख रहे हो, तो गाड़ी एक अच्छी गाड़ी बन जाती है। अब चलते हैं इसके रियर। तो दोस्तों अब आती है देखो पीछे की कहानी, तो पीछे से ये गाड़ी आपको अच्छी लगेगी, जैसे आगे अच्छी थी वैसे पीछे अच्छी है। बड़ा सा ग्लास एरिया है तो आपको देखने में विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इग्निस लिखा हुआ है, और ये रहा इसका टेल लैम्प यूनिट जो कि हैलोजन के अंदर है, डिज़ाइन आपको एक अच्छा मिल जाता है। पीछे बम्पर जो है बॉडी कलर्ड है, साथ में नीचे स्केट प्लेट मिल जाती है। बेस मॉडल में आपको ये 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। मुझे लगता है जो भी नई गाड़ी चलाना सीख रहा है ना, तो उसके लिए ये जो सेंसर हैं ये तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा हो ना हो बट ये चीज़ से आपको एटलीस्ट पता चल जाता है पीछे का। और यहाँ पर सिल्वर कलर की स्केट प्लेट मिलती है, बड़ा सा यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो है। यहाँ पर आपको लाइट जो है येलो कलर के अंदर मिल जाती है, लाइसेंस प्लेट की चाबी लगा के आप इसका जो बूट है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हाइट माउंटेड स्टॉप लैम्प भी मिल जाता है, नीचे अगर देखें तो 2 रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं, तो ओवरऑल लुक स्टाइलिश है। और पीछे से ही गाड़ी थोड़ी सी आपको ऐसे चौड़ी टाइप की मिलती है, तो ओवरऑल जो स्टांस है इस गाड़ी का आपको बहुत बेटर मिलने वाला है। अब मैं आपको ड्राइवर डोर की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ देखते हैं क्या कुछ जो है हमें मिलने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं ड्राइवर डोर साइड की, तो यहाँ पर जो डोर है ना वो काफ़ी अच्छे से ओपन हो जाता है एंड काफ़ी स्पेस जो है आपको मिल जाता है, तो इंग्रेस और इग्रेस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब इन एंड आउट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं यहाँ पे, तो सब कुछ जो है आपको हार्ड प्लास्टिक है, थोड़ा सा आपको जो एलिमेंट है ना हल्के से आपको यहाँ पे सिल्वरिश मिल जाते हैं जो कि अच्छा इसको फील देते हैं। फ्रंट की जो दोनों विंडोज़ है इसमें आपको पावर विंडोज़ मिल जाती हैं। जो ड्राइवर साइड डोर है वो 1 टच ऑटो डाउन है, बट 1 टच ऑटो अप नहीं है, बट डाउन आपको मिलता है। यहाँ पे आपको डोर लॉक एंड अनलॉक मिल गया, इसके अंदर कोई भी एडजस्टेबल वाला जो है सिस्टम नहीं है ORVMs के लिए बिकॉज ये बेस मॉडल है, तो इस तरीके से हाथ से ही जो है आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। स्पेस मिल गया, वाटर बोटल आराम से आप कैरी कर सकते हैं, तो ये रहा कुछ ऐसा लुक। यहाँ पे जो सीट देखे तो काफ़ी ऊंची आपको सीटिंग हाइट मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, फैब्रिक अपॉस्ट्री है, हाइट एडजस्टमेंट नहीं, बाकी आपको रिक्लाइन का जो फंक्शन है वो चीज़ मिल जाती है। तो ये रहा ऊपर का लुक, देख रहे हो पूरा थ्रू आउट जो कैबिन आपको दिख रहा होगा ना ये पूरा का पूरा ब्लैक है, तो थोड़ा सा स्पोर्टी एलिमेंट कह सकते हो। बाकी चीज़ें मैं आपको अंदर चल के दिखा देता हूँ। बाकी जैसे मैंने आपको कहा था कि बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती बिकॉज एक तो टॉल बॉय है डिज़ाइन, जिसकी वजह से आप हाइट देखो कितनी अच्छी खासी हाइट मुझे मिल रही है, और यहाँ पर मैं बहुत अच्छी पोजिशन पर बैठा हूँ, और जो इसका अंडर थाई कंफर्ट है वो भी मुझे डिसेंट मिल रहा है।
अंदर पूरा का पूरा जो थीम है वो ब्लैक पे बेस है, तो कोई भी आपको अलग से टचेस नहीं मिल रहे, कोई भी यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिल रहा। एंड ये चीज़ आप बाद में करवा सकते हो, बिकॉज जिस रेट पे आपको ये गाड़ी मिल रही है तो थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार लगाइए और गाड़ी को आप पूरा का पूरा सही कर सकते हो। दो एयरबैग्स मिल जाते हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा थोड़ा कार्बन फिनिश के साथ आपको एसी वेंट यूनिट मिल जाता है, ये भी बहुत बढ़िया है। चाबी की बात की जाए तो भाई कुछ इस तरीके की सिंपल सी आपको चाबी मिल जाती है, जो कि आपकी स्मार्ट की नहीं है, बट आप ये चीज़ बाद में लगवा सकते हो। अब बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको सेमी बोल सकते हैं सेमी डिजिटल वाला मिलता है, बिकॉज इसमें छोटी सी स्क्रीन है, ऊपर आपको एनालॉग मिल जाता है, नीचे आपको थोड़ी सी डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है मोस्टली आपको इसके अंदर मिल जाएगी, जितना आपका फ्यूल वगैरह रह गया, और ये जो दो स्विचेस हैं इससे आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। बात रही यहाँ पे, तो नॉर्मल आपको एसी मिलता है, कोई भी ऑटोमेटिक एसी नहीं है, और यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है, स्पेस आपको मिल गया, वाटर बोतल के स्पेस मिल गया। यहाँ पे 5-speed जो है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, रिवर्स में पार्किंग सेंसर्स है, और यहाँ पे आपका जो है थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे भी मिल जाता है। तो ओवरऑल लुक बढ़िया है, ऊपर अगर देखें तो IRVM है नॉर्मल, कोई भी इसके अंदर मैनुअल एडजस्टमेंट नहीं है। ऊपर आपको अच्छी चीज़ है कि लाइट जो है ये मिल जाती है, और यहाँ पे आपको वॉइस कमांड के लिए आई थिंक स्पीकर्स जो है मिल जाते हैं। फिलहाल तो देखो इस गाड़ी में मुझे नहीं लगता स्पीकर्स तो आपको फिलहाल नहीं आता इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको दो जो है सन वाइजर मिल जाते हैं विदाउट एनी वैनिटी मिरर, ग्रैब हैंडल जो है ये आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आगे आपको अच्छा लगे, अगर आप न्यू कमर है तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल पसंद आएगी। मैं ये चीज़ इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ ना, कई बार होता ये है कि जो नए लोग होते हैं वो छोटी गाड़ी लेते हैं, लाइक ऑल्टो ले लेते हैं, अच्छी गाड़ी है नो डाउट, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बट ये गाड़ी उससे ज़्यादा बेटर है क्वालिटी वाइज चलने में। ये जो गाड़ी है ना वो आपको ज़्यादा फील और फन जो है देने वाली है, और इससे क्योंकि कई बार ये होता है कि जो न्यू कमर्स होते हैं लंबी गाड़ी थोड़ा सा उनको डर लगता है, लाइक बलेनो एक अच्छी चॉइस है बट थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो एक कॉम्पैक्ट गाड़ी है बलेनो से छोटी है, तो ये गाड़ी आपके लिए फर्स्ट कार अगर बात की जाए तो भाई बहुत बढ़िया है। साथ में जो डिस्काउंट मिल रहा है वो बहुत ही लाजवाब आपको मिल जाता है। अब आपको रियर सीट जो है वो दिखा देता हूँ। अब बात आती है इसके रियर डोर की, तो रियर में ये आप देख रहे हो यहाँ पे बस एक चीज़ है जो आपको मिलती है, ये इस तरीके से आपको इसका जो विंडोज़ हैं उसको रोल अप एंड रोल डाउन करना पड़ेगा। यही चीज़ आपको बस इसके अंदर जो मुझे लगा एक थोड़ी सी कमी वो मुझे यही लगती है, बाकी सब कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, वाटर बोटल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी अब अंदर बैठ के आपको दिखाता हूँ कितना स्पेस जो है पीछे वाले को मिलने वाला है। तो दोस्तों ऐसे देखो मैं आराम से स्टेप इन कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं बैठूँ तो अनथाई कम्फर्ट ये मुझे डिसेंट मिलने वाला है, और यहाँ पे स्पेस में मुझे कोई कमी नहीं है। आगे का जो नी रूम है ना मुझे वो अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे हेड रूम में कोई कमी नहीं है, हेड रूम इज़ गुड इनफ, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जा रहे हैं मुझे। पीछे रियर एसी वेंट्स नहीं आते, बट छोटी गाड़ी है तो जल्दी आपकी कूल हो जाएगी, आपको एज सच कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हेडरेस्ट पीछे वाले जो हैं ये आपके फिक्स वाले हैं, तो ठीक है, मतलब आपको ओवरऑल कम्फर्ट तो आपको मिलने वाला है, और मैं कह सकता हूँ ये एक 4 adults के लिए एक अच्छी गाड़ी बन जाती है। 5 adults का बैठना थोड़ा सा कंजस्टेड वाला जो है आपको लगेगा, बाकी ओवरऑल 4 persons के लिए गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छी हो जाती है। बाकी अब ना आपको इसका थोड़ा सा बूट भी दिखा देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इसके बूट की। बूट को खोलने के लिए यहाँ पे एक आपको बटन दिया गया है, इस तरीके से आप इसका बूट एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे ग्रैब करने के लिए आपको ये मिल जाता है, और पार्सल ट्रे एक्चुअली आपको इसके अंदर नहीं मिल रही। 260 liter का बूट स्पेस है जो कि डिसेंट आपको मिल रहा है, आराम से आप एक हफ्ते का अपना लगेज कैरी कर सकते हो। बाकी लोडिंग लिप वो भी आपको थोड़ा सा हल्का सा बोल सकते हैं डीप है, बट ओवरऑल यहाँ पे आपको सही मिलता है। टूल किट आपको ये देखने को मिल जाती है, ये टूल किट आपको मिल रही है। अब बात कर लेते हैं स्पेयर व्हील की, तो इसके नीचे है इसका स्पेयर व्हील, और ये देखो ये है दोस्तों इसका स्पेयर व्हील, जिसका साइज़ है 175/65R15। तो सेम इंचेस का जो है आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं है, मतलब कोई भी कॉस्ट कटिंग जो है मारुति ने आपके लिए यहाँ पे नहीं की है। तो अब करते हैं इसके बूट को यहाँ से बंद। अब दिखाता हूँ इस गाड़ी का आपको दिल, यानी कि इसका इंजन, जो कि इस गाड़ी को बहुत ही बेटर जो है बना देता है। तो चलते आगे दोस्तों, जो इंजन में है उसको खोलने के लिए ये जो आपको लीवर है यहाँ से इसको खोलना है और आपका इंजन में खुल जाएगा। एक चीज़ बताना भूल गया था कि इसमें ना आपको ये देखो ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है बेस मॉडल में, साथ में ये हेडलाइट का लेवलर है ये भी मिल जाता है। तो अब चलते हैं इसके इंजन बे पे। तो दोस्तों ऐसा कुछ जो है इसका इंजन में आपको मिलता है, यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाती है जो कि बढ़िया है, जिसकी वजह से होगा ये कि जो नॉइज़ है आपकी बाहर तक नहीं आएगी इंजन की। जैसा कि मैं आपको बता रहा था ये गाड़ी वैगनआर सिलारियो से क्यों बेटर है, वो है भाई इसके इंजन की वजह से। बिकॉज यहाँ पे ना आपको मिलता है 4 cylinder वाला इंजन, मतलब 4 cylinder इंजन है, वहाँ पे आपको 3 cylinder इंजन मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ यही है, क्योंकि 1 cylinder जो कम हुआ है ना उसकी वजह से रिफाइनमेंट लेवल और जो पिकअप परफॉर्मेंस होगी उसमें ये गाड़ी ना उससे बेटर हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर 1 cylinder जो है आपको ज़्यादा मिलता है।
बाकी अगर इसकी बात की जाए इसकी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे 81 BHP की पावर और 113 NM का यहाँ पे टॉर्क मिल जाता है। ABS CVT यूनिट देख रहे हो, सब कुछ आपको बढ़िया से तरीके से मिल जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी USP है ना, वो है गाइज इसका इंजन, जो कि मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा बेटर मिल जाता है। परफॉर्मेंस, पेपीनेस, सब कुछ आपको एक्सेलेंट मिलने वाली है। माइलेज की बात करूँ तो भाई माइलेज में आपको पता है मारुति का कोई तोड़ नहीं है, आराम से सिटी में आपको 15-16 की माइलेज देगी, और हाईवे पे तो 20 प्लस की माइलेज आपको आराम से गाड़ी देने वाली है। तो अब इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं, तो अब करते हैं इसको यहाँ से क्लोज। तो दोस्तों इस गाड़ी का पूरा जो है ना चिट्ठा मैंने आपके सामने खोल दिया है। डिस्काउंट की बात की जाए तो भाई तगड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जल्द ही इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा लो। आना कहाँ पे है? रुद्रपुर में आकांक्षा ऑटोमोबाइल नेक्सा शोरूम रुद्रपुर में आना है, और वहाँ पे आपको इस गाड़ी में अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। और ये जो डिस्काउंट है आपका लगभग 17 तारीख तक है, उसके बाद ये डिस्काउंट हो जाएगा ख़त्म। मुझे लगता है ये गाड़ी उनके लिए बहुत बेटर है जिनकी ये फर्स्ट कार होने वाली है, क्योंकि लोग आजकल ऑल्टो जो है थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है, कंजस्टेड होती है, तो लोग जो है अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं। प्रीमियमनेस भी आपको मिलेगी बिकॉज एक नेक्सा का प्रोडक्ट है, नेक्सा की तरफ से आता है, तो थोड़ी सी प्रीमियमनेस भी है। तो ओवरऑल इस गाड़ी को आप क्या कहते हो इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे अच्छी अच्छी वीडियो लेके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।